इसलिए मैंने कहा था कि भाई 2024 जो है बहुत बड़ा साल होने वाला है हमारे लिए। तो फाइनली 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 भैया हमें फोर्स गुरखा का 5-डोर वर्जन का वही टीजर मिल चुका है। इस गाड़ी का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग, हम भी कर रहे थे यार। हमें कोई भी क्लू या कोई भी हमें टीजर वगैरह नहीं मिल रहा था ऑफिशियली इनके चैनल से। तो आज भाई फाइनली इन्होंने, आज नहीं मतलब 4 दिन पहले इन्होंने इस गाड़ी का टीजर लॉन्च कर दिया है। उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है, इन्होंने इसके टीजर के डिस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी है ना उसको पढ़कर भाई मेरा दिमाग ही फट गया। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि इस गाड़ी में आपको पहले से ज्यादा पावर, परफॉर्मेंस और फीचर ज्यादा मिलेंगे। अब भाई इनकी हर एक गाड़ी में सेम इंजन सेम पावर आती है, लगभग सेम ही फीचर आते हैं। तो भाई हैरानी वाली बात तो ये है कि इन्होंने जो लिखा है क्या वो सच्ची में होगा भी या नहीं। जैसे नॉर्मली आपको फोर्स गुरखा की 3-डोर में जो इंजन आता है वही आपको नॉर्मली जो सारी गाड़ियों में इनके आता है 2600 cc का इंजन जो कि मर्सिडीज का आता है, इन्होंने खुद मॉडिफाई करा है। फोर सिलेंडर डीजल इंजन है, मैक्स पावर 89.84 bhp या 250 Nm का टोर मैनुअल के साथ आएगा सारी गाड़ियों में। तो ये चीज है कि भाई इसमें क्या चेंज ये लोग जो है करने वाले हैं, कितनी पावर इस गाड़ी में बढ़ने वाली है या फिर कितनी परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बढ़ाने वाली है। एक और बात इन्होंने जो हाईलाइट करी है कि भाई फोर्स गुरखा 5-डोर के साथ साथ 3-डोर को भी हम जो है कॉस्मेटिक चेंजेस और अपडेट जो है देने वाले हैं। हाँ ये बात तो भाई इनकी सही है कि भाई थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि भाई BS6 को छोड़ के अब जो है भारत स्टेज 7 जो है आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। तो उसको लेके थोड़े से इंजन में जो है कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, जो कुछ पावर में कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा वो तो इनको ही पता होगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक उतना खास यार रिवील नहीं करा है इस गाड़ी को। बाकी ऑल अराउंड बताऊं तो भाई गाड़ी वैसे ही है हूबहू जैसे कि इनकी पिक्चरों में लीक हुई थी या फिर हमें दिखाई गई थी, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में दिखाते आ रहा हूँ, सेम एज इट इज वैसे ही है, 3-डोर की तरह ही है। बस इसमें आपको 5-डोर की देखने को मिलेंगे, वही आपको शार्प एजेस मिलेंगे गाड़ी में, थोड़ी बॉक्सी टाइप्स की जो कि बहुत बढ़िया लगती है, जी वैगन लुक आती है, ओल्ड जी वैगन, और वैसे ही हैवी है, फ्रंट में ले लो, बैक में ले लो या साइड में ले लो। इन एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि भाई 3-डोर से ये 5-डोर जो है मच बेटर होने वाली है और ये गाड़ी इससे ज्यादा बिकने वाली है और बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करने वाली है आई थिंक थार 5-डोर को। हाँ अगर इस गाड़ी में आपको अच्छे से थोड़े से ज्यादा नहीं थोड़े से फीचर जो है अच्छे वाले मिल गए इंटीरियर में, नहीं तो यार वही अगर पुराना ट्रक वाला इंटीरियर दे दिया तो हो सकता है कि भाई ये कहीं पे भी बीट ना कर पाए थार 5-डोर को। और अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं इस गाड़ी में आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको 5 की भी मिल सकती है, 6 और 7 की भी मिल सकती है। ऐसे में सही में बताऊं तो इस गाड़ी में ज्यादा चेंजेस हमें चाहिए नहीं, इंटीरियर में ले लो या एक्सटीरियर में ले लो, लेकिन इंटीरियर में कुछ चीजें जो जिसकी यार ये थोड़ी चेंज कर दो तो अच्छी बात है, जैसे इसका स्टीयरिंग व्हील हो गया, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर टच स्क्रीन को अगर थोड़ा बढ़ा दे या उसमें यार थोड़े से फीचर ऐड कर दे तो यार मतलब हो सकता है। बाकी इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज नहीं चाहिए, जो भी मैनुअल इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड करा जाता है वो मैनुअल ही अच्छा है, क्योंकि मैनुअल ही बढ़िया है, इलेक्ट्रिक जो है कभी कभी काम भी नहीं करता, तो मैनुअल चीजें अच्छी है। मैनुअल आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल लॉकिंग कंट्रोल का, जो कि इसमें मैनुअल आते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों में मैनुअल ही दिए गए हैं। तो यार ये चीजें जो है मैनुअल में बेटर लगी मेरे को इस गाड़ी में। अब इन्होंने जो हाईलाइट करा हुआ है कि मोर पावरफुल या परफॉर्मेंस इन्हें ज्यादा देने वाले हैं, तो देखते हैं भाई 90 PS से या 215 Nm टॉर्क से कितना ज्यादा ये गाड़ी की पावर को बढ़ाने वाले हैं। इंजन तो सेम आपको 2.6 लीटर का ही रहने वाला है। ये बात तो कंफर्म है कि भाई BS6 की जगह BS7 जो है लॉन्च होने वाला है भारत में, तो उसके कारण जो है उसके दौरान जो है इंजन में थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, तो उसको लेके शायद गुरखा ये भी कह रही हो कि भाई थोड़े चेंजेस करे जाएंगे। अब पावर में क्या चेंज होने वाला है क्या नहीं वो तो गुरखा ही जाने या फोर्स ही जाने। हाँ हमें कोई अगर कोई हिंट मिलेगा तो जरूर से बताएंगे, फिलहाल ऐसे गप्पे नहीं मारेंगे कि भाई इतनी पावर मिलने वाली है तो रहने देते हैं। चलो फिलहाल के लिए इतना ही था, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करते जाना यार चैनल को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।